हेलो एस्पायरेंट्स, आज आपका जो ये टू डू लिस्ट है, जो ये वीडियो है, अब आपके पास जो डेज बचे हैं वो 4 डेज बचे हैं, और 4 डेज का आपका जो ये चैलेंज होने वाला है, इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि देखो, मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी का वीडियो भी अच्छे से बना के दे दिया है, मॉक टेस्ट को कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करना है ये भी बताया है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे मैम से पूछना चाहिए, तो गाइस बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कमेंट कर दिया कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया कीजिए, आप लोगों का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशनल कोट, एक बहुत अच्छे से मोटिवेशनल लाइंस, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग अच्छे से बिल्कुल एनर्जी के साथ इसमें आप 4 दिन में अच्छे से तैयारी करो जो आपके बचे हुए हैं, और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। समझे गाइस? क्या हम लोग हमेशा रोना गाना करेंगे कि नहीं हमारे हालात ये हैं, हम इसलिए नहीं कर पा रहे, इनकी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए इन्होंने ऐसा कर लिया। गाइस वो सब नहीं करना है, हम जो है हालात बदलने का दम रखते हैं ये हमेशा सोचना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक जो टाइम रहने वाला है उसमें आप DI करो, 3 सेट लगाओ इसके, प्रीलिम्स लेवल वाले गाइस। पज़ल के आपको 2 सेट करने हैं, ये आपका 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। 7:30 से 8:30 बजे तक 1 मॉक टेस्ट देना है, देन उसके बाद उसका 1 घंटे में एनालिसिस करना है। 10 बजे से आपको करंट अफेयर्स वीडियो अभिजीत मिश्रा सर का देख सकते हो, किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो पहले से उनका देख सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि मैंने जिनका बोला है उन्हीं का देखना ज़रूरी है। बट गाइज मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को अभिजीत मिश्रा सर बोल रही हूँ, आप देख सकते हो आराम से इनका। 11:30 से 12:30 बजे तक 2nd मॉक टेस्ट लगाना है। आज आप लोगों को फिर से मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आप लोगों को देखो, अब नया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो है मॉक टेस्ट लगाओ, नंबर देखो, एनालिसिस करो, ये बहुत मैटर करता है। उसका एनालिसिस करना है 1 घंटे आप लोगों को। 2:00 से 3:00 बजे तक सेक्शनल टेस्ट लगाना है इंग्लिश का। किसी की अगर गई इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग रीजनिंग या फिर क्वांट जिसमें भी प्रॉब्लम है उसका सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से 3:00 से 4:00 बजे तक क्वांट और रीजनिंग की क्लास मेरी चल रही है अन अकेडमी पर, यहाँ आप लोगों को देखना है गाइज, बिल्कुल फ्री में क्लास रहती है। BAC10 मेरा कोड है, ये अनलॉक कोड होता है। 5:00 से 6:00 बजे तक 3rd मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद से 1 घंटे उसका एनालिसिस करना है। आप लोग क्या करो ना, 3ों मॉक टेस्ट कभी भी सेम प्लेटफॉर्म से मत देना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लो, अलग अलग दो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा मिलता है गाइस, कि आप लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज़ का, कि कैसा इंटरफेस रहने वाला है, कैसे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसी आपकी क्वालिटी रहती है। आप लोगों को मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जो है रिकमेंड कर रखा है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप लोग ले सकते हो, काफ़ी बेहतरीन मॉक टेस्ट है गाइज। आप लोगों को आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग कोड लगाएंगे BAC10 तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं एक ही पास में, उसके आप लोगों को ईयरली पूरा मिल जाएगा एक तो, और सारे के सारे एग्जाम्स उसमें कवर जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और प्रीलिम्स लेवल एकदम बिल्कुल मैं बोलूंगी एग्जैक्ट रहता है। तो आप लोग लगाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाइए, आप टेस्ट बुक का ले सकते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है, काफी अच्छा है। चलिए मैं बात करती हूँ आपको लास्ट में जो करना है रात में, वो है आपका 8:30 से 10:00 बजे तक का टाइम। ज़्यादा मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को रिलैक्स रहना भी बहुत जरूरी है। लास्ट में हम लोग सिर्फ जो हमने किया होता है ना उस पर मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे तो फिर वो दिमाग में उतना अच्छे से नहीं रहता है। लास्ट में आप लोगों को वॉकअप रिवीजन करना है। वॉकअप रिवीजन क्या, जो मैं मॉर्निंग में आप लोगों को वर्ड कलेक्शन कराती थी ना, वो रिवीजन कर सकते हो, या फिर जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो इसमें जो वॉकअप्स देखने के लिए मिली है, आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन कर सकते हो। करंट अफेयर्स के क्विजेज ज़रूर लगा लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों ने देखा है, और वो क्विजेज लगाने हैं आपको Adda247 ऐप से लगा सकते हो, कहीं से भी आपको अगर मिल जा रहे हैं, जहाँ से भी फ्री मिल जाए आप लोग लगाइए गाइस। बस इसका मेन मोटिव मेरा कहने का यही होता है कि आपके करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बन जाए। तो ये था आपका जो लास्ट के 4 डेज हैं उसका आपका चैलेंज, अच्छे से इसको करो। इसके बाद से लास्ट तक मैं आप लोगों को अच्छे से स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो उसमें आप लोगों की बिल्कुल हेल्प कर रही हूँ गाइस। अगर मेरे ये एफर्ट्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जो भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।